नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। भारत विश्व गुरु बनने के रास्ते पर चल पड़ा है। आज भारत की छवि पूरी दुनिया में अलग है। हर तरह से भारत की ताकत में इजाफा हुआ है। आज भारत की ताकत यह है कि भारत दुनिया के किसी भी मसले पर स्वतंत्र होकर फैसला लेता है। वैसे आपको बता दें कि कोई भी देश कितना ताकतवर है इसका अंदाजा उसके पासपोर्ट के रैंकिंग से भी लगता है, और इस रैंकिंग में जिस देश का पासपोर्ट ऊपर होता है उससे पता चलता है कि वो देश सॉफ्ट पावर के तौर पर दुनिया में कितना प्रभावशाली है। इस वीडियो में हम आपको भारत के रैंकिंग के बारे में बताएंगे, आपको बताएंगे कि भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है, इसे कौन जारी करता है, किस आधार पर पासपोर्ट की रैंकिंग निर्धारित की जाती है, किस देश का पासपोर्ट सबसे ऊपर है। तमाम जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए अब आपको डिटेल्स में खबर बताते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि रैंकिंग कौन जारी करता है। दरअसल हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हर साल पासपोर्ट की रैंकिंग जारी करता है, और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जारी हो चुका है। वैसे आपको बता दें कि इंडेक्स में इस बार भारत के प्रदर्शन को लेकर खूब चर्चा है। भारत ने कौन सा स्थान पाया है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि वीजा फ्री एक्सेस के माध्यम से पासपोर्ट की रैंकिंग की जाती है। मतलब जिस देश के पासपोर्ट से बिना वीजा यात्रा की जा सकती है वो पासपोर्ट सबसे मजबूत होता है। इस बार फ्रांस ने बाजी मारी है और ये टॉप पर रहा है। इसके अलावा जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन भी टॉप पर है। वहीं फिनलैंड, दक्षिण कोरिया और स्वीडन दूसरे स्थान पर हैं, और ऑस्ट्रेलिया 192 वीजा फ्री डेस्टिनेशन के साथ तीसरे स्थान पर है। वैसे ये सब कुछ जानने के बाद अब आपके मन में भारत की रैंकिंग को जानने की उत्सुकता बढ़ रही होगी, तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वो भी आपको बता ही देते हैं। दरअसल पिछले साल की तुलना में इस साल भारत की रैंकिंग थोड़ी निराशाजनक रही है। पिछले साल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत जहां 84वें स्थान पर था, इस साल ये और बढ़कर 85वें स्थान पर आ गया है। आपको बता दें कि भारत के पासपोर्टधारी 60 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं, जो कि अब बढ़कर 62 देश हो गए हैं, लेकिन फिर भी रैंकिंग में गिरावट आई है, इसलिए इसे चौंकाने वाला भी बताया जा रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में रैंकिंग कैसे तय किया जाता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स वेबसाइट के अनुसार उसके पास अलग अलग देशों के 19 साल का पासपोर्ट डेटा है। इसके पास अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन प्राधिकरण के विशेष डेटा पर आधारित अपनी तरह का एकमात्र सूचकांक है। इसमें 199 अलग अलग पासपोर्ट और 227 अलग अलग ट्रेवल डेस्टिनेशन शामिल है। यह इंडेक्स मंथली अपडेट होता रहता है। इसी आधार पर पासपोर्ट की रैंकिंग तय किया जाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कैसे रैंकिंग तय किया जाता है और इस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है। वैसे आप इस खबर पर क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं।